एआईएमआईएम की तरफ से भी हमने नेताओं को शामिल किया था, पहले हामी भी भरी थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, हाथ पैर फूल गए, बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आप सर सत्ता में, 27 नेता आपके हैं, यानी नफरत फैलाने वाले सबसे ज्यादा नेता जो इस देश की संसद और विधानसभाओं में बैठते हैं वो सौजन्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए अंजना जी, पहली बात तो आरंभ में ही कह दूं कि जहां तक भाषा के मर्यादा का सवाल है, सभी राजनेताओं को भाषा के मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता इसे पसंद नहीं करती। जहां तक संख्या और रिसर्च जो अभी ADR ने ये जारी किया है, मैं इसमें बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि देखिए, जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के सबसे अधिक लोग हैं, बीजेपी के पास MP सबसे अधिक है, 342 MPs है पूरे देश में, और बीजेपी के पास MLA सबसे ज्यादा है, 1455 MLA। अगर एक छोटे से कंपैरिजन को हम करते हैं, 342 में 10 MPs का नाम आया है और 1455 में लगभग 17 बीजेपी के MPs का MLAs का नाम आया है। इसके अनुपात में आप AIMIM, कांग्रेस या बाकी पार्टियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि AIMIM का ओवैसी जी के पार्टी का एक ही MP है जो खुद ओवैसी जी हैं, और एक ही MP उसमें संलिप्त पाया गया है, और उनके कुल मिला के 9 MLA हैं जिनमें से 5 MLA हेट स्पीच में पाए गए। तो जहां बाकी पार्टियों के 70% लोग ऑलमोस्ट इन्वॉल्व दिख रहे हैं, उसी अनुपात में भारतीय जनता पार्टी के कम लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं। मगर मेरा मानना है इतने भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से भाषा का प्रयोग राजनीति में होनी चाहिए। अनुपात में आपके भी काफी है, चरण सिंह सापरा साहब, ये कहना है संबित पात्रा जी का। देखिए संबित पात्रा जी, कन्वीनियंटली फिगर्स देख करके परसेंटेज की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया है। हाँ। लेकिन जनता या ये देश ये भाषा नहीं भूल सकता है जो आपके केंद्रीय मंत्रियों ने समय समय पर कही है, चाहे वो गिरिराज सिंह है, चाहे उमा भारती है, चाहे वो ये आपके कैलाश विजयवर्गीय, महेश शर्मा, अनेक सारे नेता हैं, राज्य के भी नेता, केंद्र स्तर के भी नेता, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है। पाकिस्तान यानी मुख्तार अब्बास नकवी खुद एक मुसलमान होके वो ये कहते हैं, जब बीफ बैन का मुद्दा चला था, गौ रक्षकों का कहर चल रहा था देश के अंदर, तब उन्होंने खुद कहा था कि जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चला जाए, ये मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था। रामजादे हरामजादे की बात साध्वी निरंजन ज्योत ने कही थी। तो ये बातें जो है देश की जनता भूलती नहीं है, ये कितना ही चाहे परसेंटेज के आंकड़ों में जाकर के अपनी जान बचाना चाहे कि हमारे परसेंटेज के हिसाब से हमारे आंकड़े कम है और ओवैसी के ज्यादा है। मैं ओवैसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता ये, और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं। ओवैसी जी के बारे में क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई ओवैसी जी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये परसेंटेज के आंकड़े में जाकर के बीजेपी अपनी जान बचाना चाह रही है कि वो 100% है। परसेंटेज में आप जान बचाना चाह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य लोगों के पास जाऊंगी। देखिए अंजना जी, मेरी कोशिश थी कि मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करूं, इसलिए पहले अनुपात के विषय में बात किया। अब चूंकि कांग्रेस के नेता ने यहाँ इसको राजनीति में घसीटा है, तो मैं पहले राजनीति के जो पुरोधा उनके पार्टी के हैं, सोनिया जी से ही आरंभ करता हूं। राजनीति में मैंने नहीं घसीटा बाबा, आप खुद चल के आ गए हो राजनीति में, के लिए खून की दलाली का प्रयोग किया है। राहुल जी ने समर्थन किया जब उनके पार्टी के आपके सूरज पाल अमू ने तो दीपिका पडुकोन को नहीं छोड़ा, दीपिका पडुकोन के सिर पे इनाम रख दिया था उसका नाक काटने के लिए। ये तो सुन लीजिए, मैं राजनीतिक राजनीतिक बात से थोड़ा हटके भी आपको उदाहरण दे रहा हूँ। वो कंप्लीट कर ले, क्या कहा था? अरे सापरा जी, वो बोल ले, फिर आपके पास आती हूँ। सापरा जी, थोड़ा सा भाषा का मर्यादा हम यहाँ भी रखें और एक दूसरे के बीच में चिल्ला चोट नहीं करें। क्या ये हकीकत नहीं है कि इमरान मजदूर, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने मोदी जी के लिए कहा था कि हम मोदी जी को बोटी बोटी काट देंगे। गुजरात में तो केवल 4% मुसलमान हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश आने की हिम्मत करेंगे, यहाँ 42% मुसलमान है, मोदी जी को हम बोटी बोटी काट देंगे। क्या ये हकीकत नहीं है कि बेनी प्रसाद वर्मा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, उन्होंने मोदी जी को आदमखोर कहा, पागल कुत्ता तक कह दिया। क्या ये हकीकत नहीं है? मनी शंकर अय्यर जी ने कहा कि मोदी जी की इतनी हिम्मत कि वो PM बन जाए, अगर चाय बेचना हो तो आके हमारे अधिवेशन के बाहर में दुकान खुलवा दूंगा, आप चाय बेचे, और वो तो एक नीच इंसान। नेताओं ने तो शाहरुख खान को नहीं छोड़ा, मोदी जी को सांप, आपके मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट जी ने कहा था शाहरुख खान की भाषा और हाफिज सईद की भाषा एक है।
भदौरिया जी, मिले तो मैं बोलूं भदौरिया जी की भाषा और आफिस सईद की भाषा आपके भी, भी एक विधायक है, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल 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 आपके भी एक विधायक है क्योंकि मोदी जी और आजम खान जी के तो क्या कहिए। अरे बोलने तो दीजिए मुझे, तो अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी ने बोला था कि हमारे सरकार में इतने रुपए हुए थे, आपके सरकार में इतने रुपए हुए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। समित पात्रा जी आपने भी वही शुरू कर दिया, आपके तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपने परसेंटेज में कंपेयर करना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2012 से 18 के बीच में सरकार आपकी थी, उस समय भी हेट स्पीच 87% आपके उसमें होते थे और उस समय आपके एमपी भी कम थे, एमएलए भी कम थे, तब भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेट स्पीच देते थे। मैं साक्षी महाराज भी उस समय दे रही थी, उमा भारती भी दे रही थी, नरेंद्र साध्वी भी दे रहे थे, बीके सिंह नए नए आए थे वो भी दे रहे थे, संगीत सोम ने अभी दिया, योगी जी तो पहले से देते आ रहे हैं। आप बताइए कि आप जिस राजनीति की बात कर रहे हैं इस देश के अंदर, वो जो ओवैसी जी तो आपके ही एजेंट है, वो आपकी आपकी भाषा में बात कर लेते हैं समाज को डिवाइड करने के लिए। इसलिए पात्रा जी इस पे तो कम से कम राजनीति मत कीजिए, आप दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो। परसेंटेज आपने गिना दिया, मैं आपको परसेंटेज गिना रहा हूं कि 2012 से लेके 2014-18 तक तो आपके तो एमएलए एमपी उतने नहीं थे, तब भी परसेंटेज आपकी 87% थी, तब भी आप समाज को धर्म को डिवाइड करने की आप स्पीच आपके नेता अजय आलोक जी थे। अजय आलोक जी आपकी क्या ठीक है, सबकी एक बार राय हो जाए। अजय आलोक जी आपके भी दो है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके आपकी साथ भी रामजादे हरामजादे बोले, हिंदू मुसलमान को बोले मुसलमान है पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाए, आप बोलेंगे कि हिंदू है इतने बच्चे आप करेंगे आप करेंगे। अंजना जी मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है इसमें, पहले के जमाने में जब राजा रजवाड़ा होते थे तो होता था, किसको आप मौलवी बोलेंगे किसको आप पंडित जी। अरे आप भदौरिया जी रुक जाइए जरा, एडिशन तो आपका ही है पात्रा जी, आप तो टीवी पे हमेशा बोलते रहते हो मौलवी। अनुराग जी एक मिनट, अरे क्या कर रहे हैं, धर्म की बात तो छोड़ना, तो धर्म परिवर्तन की बात। अरे अंजना जी बोलेगा कैसे, कोई बोले भदौरिया साहब ट्रेन पहुंच गया गई है स्टेशन पर, थोड़ा सा रुकिए। हाँ अंजना जी मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, पहले राजा रजवाड़ों के जमाने में होता था जस राजा तस प्रजा, आज के जमाने में ये उल्टा हो गया कि जस प्रजा तस राजा। सच्चाई तो ये है कि आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक चैनल जब से सक्रिय हो चुके हैं, एक गलत बयान होता है और उस बयान को इतनी बार इलेक्ट्रॉनिक चैनल दिखाता है और जनता भी कहीं ना कहीं पसंद करती है, तो बड़ा शॉर्टकट तरीका हो गया नेताओं के लिए हिट बनना। आप देश की जनता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपका ये कहना है कि लोगों को पसंद आता है। देश की जनता पे नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को बोल रहा हूँ कि जो विवादित बयान देते हैं उसको आप इतनी ज्यादा प्रमुखता से दिखाते हैं कि जैसे क्या हो गया, तो ऐसे लोग को महिमा मर्दन और ऐसे लोग को हीरो बनाने में कहीं ना कहीं मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। हीरो बनाते और कहीं ना कहीं ये संदेश भी देता है कि एक विवादित बयान दो और बहुत पॉपुलर हो जाओगे, लीडरशिप के नजर में आ जाओगे, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए एक विवादित बयान दे दीजिए आप हीरो बन जाइएगा, लीडरशिप भी खुश हो जाएगी। अजय आलोक इसी के कारण ये प्रचलन बढ़ते चला गया, रुक नहीं रहा है। अजय प्रचलन इसलिए बढ़ा है, रुक नहीं रहा है। और मीडिया को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मसाला है ये और मसाला सबको अच्छा लगता है, कमाल है मीडिया इसको मसाला ऐसा। अनुराग भदौरिया जी आप जो बैठ के यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं तो ये ज्ञान देश की संसद और विधानसभा का अपमान है। मुलायम सिंह यादव को दे आइए, आप याद कीजिए कि इनके बयानों को कितनी बार चलाया जाता है। आप अपने नेता को नहीं, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर कोई मीडिया गलत ज्ञान दे तो उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। संगीत सोम की लैंग्वेज ब्लॉक कर दीजिए, क्या होता है कोई सांसद कोई ब्लॉक कर दीजिए, एक बार दिखाइए उसका, जब तक मीडिया ने नहीं उसको ब्लॉक कर दीजिए, छोड़ दे दिखाई ना टीवी पे, आप मीडिया कोई दोषी ठहराने लगे ऐसे लोग को कोई सांसद कोई विधायक गलत बोले और हम दर्शकों को बताए भी नहीं, तो उनको लगेगा इतनी पब्लिसिटी मिल गई बैठे बिठाए। माने ये आप तो आप तानाशाही करना चाहते हैं देश के अंदर में कि मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, मीडिया बोले नहीं कुछ, मीडिया का क्या मुंह बंद करना चाहते हैं क्या, कभी भी हो जाता है कुछ ऐसी बातें कुछ बोलते रहे मीडिया को सेशन दे दिया उसको बढ़ चढ़ के दिखाता है लगातार छुपा के नहीं दिखाए, संगीत सुन के नाम ले रहे थे अगर बीजेपी का सांसद कोई भी अगर धर्म जाति की बात करेगा उसका नहीं दिखाया जाए, और उसी तरह से कांग्रेस पे भदौरिया साहब रुकिए लगातार मीडिया समाज की चलते रहा मुझे लगता है कि आपकी प्राथमिकताओं में कहीं पर बहुत जबरदस्त गड़बड़ी है जय आलोक, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सच सामने आना कितना जरूरी है इस देश की संसद और विधानसभा में। अगर जहर बहर जहर बोलने वाली सच्चाई है वाले आज के डेट में बड़ा शॉर्टकट सच दिखाना हमारा काम है। एक विवादित बयान दे दीजिए आप पॉपुलर हो अजय आलोक, अजय आलोक सच सामने आना बहुत जरूरी है। जनरल मेजर जनरल अनिल वर्मा साहब सामने आए एक बार आए वो लगातार 3-4 दिन नहीं आए क्योंकि फिर ऐसे सच बोलने के लोगों को आप थोड़ी तय करेंगे कितने दिन दिखाना जरूरी है और कितना कौन सा मीटर है आपके पास कि एक दिन दिखा सकते हैं दो दिन दिखा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप अजय आलोक, क्या बात कर रहे हैं आप अजय आलोक। मेजर जनरल अनिल वर्मा, मेजर जनरल अनिल वर्मा आपने चार प्रमुख पार्टियों की बात को सुन लिया, एडीआर के आप हेड, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ
कि ये जो बात कह रहे हैं कि इसको छुपा मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको लगता है इंस्टेंट पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं या उनको लगता है कि वोट मिलेगा इससे? हाँ, मैं इन चारों प्रवक्ताओं से कुछ सवाल रखना चाहता हूँ, मेहरबानी करके इनको बताइएगा कि बीच में डिस्टर्ब ना करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आज की राजनीति जो चल रही है वो देश को तोड़ने वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग? डिवाइड एंड रूल वाली, कभी कास्ट के बेसिस पे, कभी रिलीजन के बेसिस पे, कभी धर्म के उस पे, कहीं लिंगायत की बात हो रही है, कहीं नॉर्थ साउथ की बात हो रही है, मतलब इलेक्शंस में इसके अलावा और कोई इनके ऊपर नहीं रहता। इसका जवाब लेते हैं संबित पात्रा जी। दूसरी बात, इसके बाद लूंगी सर नेक्स्ट सवाल, सवाल डाइल्यूट हो जाएगा सर, सवाल डाइल्यूट हो जाएगा, मैं फिर आऊंगी। पूरे सवाल सुन लीजिए पहले, पूरे सवाल सुन लीजिए, बोलिए पूरे सुन लीजिए, सुनाइए। हाँ, 198 कैंडिडेट्स को पिछले 5 साल में जिनके ऊपर ऐसे केसेस हैं उनको टिकट क्यों दिए? सारी पार्टियों ने दिए हैं, एक यूनियन मिनिस्टर, 8 स्टेट मिनिस्टर्स, 2 पार्टी के प्रेसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर ऐसे मामले हैं। जो MLAs हैं उसमें बीजेपी की बात छोड़िए, तमाम पार्टी, TRS, AIMM, TDP, कांग्रेस, AITC, JDU, शिवसेना, DMK, BSP, SP, तमाम शामिल हैं। ठीक है, तो अगर इन लोगों को टिकट्स ये जानबूझ के देते हैं तो उनसे आप किस प्रकार से उम्मीद करेंगे कि ये सुचारू रूप